हेलो एवरीवन, मैं विकास द्विवेदी आप सभी का चंद्रा इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आज यहां पे चंद्रा इंस्टीट्यूट आपके लिए लाई है यूपी ट्रिपल एससी और लोअर पीसीएस स्पेशल क्लासेस। इसमें जो भी आपको इंक्वायरी चाहिए वो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप आगे ले सकते हैं 8299310097। मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं कि अभी तक अगर आपने अपनी तैयारी शुरू नहीं की है तो आप अभी से चंद्रा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे हम आपको प्रॉपर क्लासेस डेली बेसिस पे देंगे, जिसमें मैथ्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास, जीके प्लस साइंस और हिंदी की क्लासेस आपको अपडेट कराई जाएगी। अभी तक इसका सिलेबस डिफाइन नहीं हुआ है, क्योंकि इस बार ही लोअर पीसेस की कुछ पोस्ट यूपी ट्रिपल एससी में शामिल की गई हैं। तो अभी तक जो इनका आधार था उस पे बेसिस जो भी इसके सेक्शन थे, जीके, साइंस, अर्थमेटिक, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और हिंदी, इनकी प्रॉपर क्लासेस आपको दी जाएंगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं यूपी ट्रिपल एससी स्पेशल क्लास, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर 8299310097 पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक, चलिए मैं आपको केवल ये दिखाना चाहता हूं कि लोअर पीसीएस स्पेशल क्लास है और जो आपका ये यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू इस बार होने वाला है, इसमें एक सेक्शन आपका एप्टीट्यूड का भी है। एप्टीट्यूड जिसमें आपको मैथ्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मैं आपको यहां पर मैथ्स की क्लासेस दूंगा, ठीक है? तो आज एक मैथ्स में छोटा सा आप डेमो देख सकते हैं हमारा। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जिनको, क्योंकि इसमें जो काफी क्वेरीज आती हैं, काफी जो लोगों की प्रॉब्लम होती है कि सर हम तो केवल जीके जानते हैं, हिंदी जानते हैं, हमने या हमें तो मैथ्स आती ही नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं कि ऐसा नहीं है। अभी जितना भी वक्त है आपके पास, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, क्योंकि अभी एग्जाम की डेट तो आई नहीं है, लेकिन होने वाले समय में जल्द से जल्दी एग्जाम हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि अभी से आप अपनी तैयारियां टाइट कर लें, क्योंकि अगर आप दो या तीन महीना मानकर अगर अपनी तैयारियों को अच्छा स्वरूप देते हैं तो अगर एग्जाम कल को पोस्टपोन होता है, बाद में भी होता है, तो आपको काफी अच्छा समय मिल जाएगा अपनी तैयारी का। तो मैं यहां पर लेके आया हूं जो आपका लोअर पीसीएस 2015 का जो पेपर हुआ था, उसके प्री में जो मैथ्स के क्वेश्चन थे उनको हम डिस्कस करेंगे। हम ये बताएंगे कि अगर आपको किसी तरह क्वेश्चंस नहीं आता है तो आप किसी ना किसी तरीके से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीन वर्षों में स्वयं का 125/64 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है? यह आपका पहला सवाल है और आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है, तो इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीन वर्षों में स्वयं का 125/64 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है? इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन जो सबसे सरल तरीका मुझे लगता है जो आप समझ सकते हैं, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है कि a बराबर पी वन प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी, जहां पर a अमाउंट को दिखा रहा है जो मिश्रधन होता है, p मूलधन को दिखा रहा है प्रिंसिपल, r रेट ऑफ इंटरेस्ट है ब्याज की दर जो आपसे पूछा जा रहा है, और t समय है, टाइम, जो कि आपको दिया गया है तीन वर्षों में। इस फॉर्मूले को थोड़ा आप अपने हिसाब से सरल कर सकते हैं। p को यहां बुला लीजिए, a बटे में p इज इक्वल टू 1 प्लस r बटे 100 की घात t। a बटे p
ए बटे पी ही आपको कितना दिया हुआ है, 125/64। कैसे? अगर आप मान लेते हैं कि माना धन या मूलधन, धन को ही मूलधन कहते हैं या धन को धनराशि कहते हैं, धनराशि 64x, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा? कोई भी धनराशि 3 वर्षों में स्वयं का इतना बन जाती है, मतलब बन जाती है इसका मतलब उसमें ब्याज जुड़ चुका है और वही क्या है, मिश्र धन। तो जो भी आपके पास धनराशि थी 64x, उसका 125/64 गुना आप निकाल लीजिए, ये कट गया 125x। आपने देखा कितने सरलता से हमने यहां पर काट लिया। इसीलिए कोई भी अगर क्वेश्चन में फ्रैक्शन दी गई होती है तो उस फ्रैक्शन का जो भी डेनोमिनेटर होता है उसी को मैं केंद्र मानकर हमेशा वैल्यू को मानता हूं। जैसे यहां पर अगर मैं 100 ले लेता कि धनराशि 100 है, तो 100 का जब मैं 125/64 निकालता तो क्या इससे आप काट पा रहे हैं? नहीं, तो एक फ्रैक्शन बन जाती। आपने 64x आपने पहले से सोच समझ के माना, तो आप देख रहे हैं कितने आसानी से आपके पास एक पूर्णांक आ गया। तो यहां से आप देख सकते हैं a/p, a कितना है 125x और p कितना है 64x बराबर 1+r/100 और t का मान कितना है 3। x से x कट गया, यहां पर ये क्यूब है, लेफ्ट हैंड साइड में से भेजूंगा तो क्यूब रूट हो जाएगा। तो 125/64 का क्यूब रूट बराबर 1+r/100। 125 का क्यूब रूट होता है 5 और 64 का क्यूब रूट होगा 4 बराबर 1+r/100। इस 1 को इधर भेजूंगा तो 5/4 - 1 बराबर r/100। 4 × 1 = 4, 5 में 4 जाएगा 1, 1/4 बराबर r/100। 4 से 100 को काटूंगा 25 बार और थोड़ा सा सरल करूंगा, 25 को इधर भेज दूंगा तो r का मान कितना आ जाएगा 25%, और यही सवाल का सही उत्तर है। तो आप देख सकते हैं कि जितना आपको आता था, अगर आप एग्जाम में इस फॉर्मूले को ही ध्यान में रखकर जाते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, आइए, तो ये एक तरीका था। ऐसा नहीं कि इसके अलावा इस क्वेश्चंस को हम नहीं कर सकते हैं, इस क्वेश्चंस को करने के बहुत तरीके हैं। जितना आपका दिमाग ज़्यादा लगेगा उतना पेन की डिमांड कम होगी। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप इतना दिमाग नहीं लगा सकते हैं, तो आपके पेन की तुलना में ये तरीका सबसे ज़्यादा सरल है और सही है, जो आपको समझ में आता है। ठीक है, बाकी जब हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी, हमारे पास वक्त होगा, तो हम और तरीकों की चर्चा करेंगे। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है कि दो संख्याएं 15:11 के अनुपात में हैं। यदि इनमें एक संख्या 143 है और इनका मासा 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये आपका दूसरा सवाल है। तो दो संख्याएं अगर 15:11 के अनुपात में है तो आप बचपन से मानते आ रहे हो, मान लीजिए माना पहली संख्या 15:15 में है तो 15x और दूसरी संख्या 11:11 में है तो 11x। अब ये आपका संख्या आ गई, अगर संख्याओं का मासा निकालना हो तो मासा कितना होगा? 15x का मतलब है 15 × x और 11x का मतलब है 11 × x। आप देख रहे हैं कि आपने गुणे के रूप में इनको गुणनखंडों के रूप में लिख दिया है। मासा क्या होता है? मासा होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो दोनों में ही गुणनखंड है, और महत्तम समापवर्तक, जो सबसे बड़ा गुणनखंड हो। तो यहां पर केवल एक ही गुणनखंड है तो यही इसका मासा होगा। तो मासा कितना आ गया? x। और प्रश्न अनुसार मासा को कितना दिया गया? 13। तो x का मान कितना जाएगा? 13।
आपसे कह रहा है दूसरी संख्या क्या होगी, हमारे पास दोनों ही संख्याएं हैं अब, तो 15x का मान यहां से आ गया, 15 गुणे में 13, 15 तिहाई 45, 15 कम 15 चार 19, और 11x 11 गुणे 13, 11 तिहाई 33, 11 कम 11 चार 11 तीन 14, तो दोनों संख्याएं हैं। एक संख्या तो वो खुद कह रहा था 143 है, बिल्कुल आ रही है, तो दूसरी संख्या क्या है 195, जो कि इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, आइए एक सवाल मैं और आपको लेता हूं। चार सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई क्या है। एक सवाल ये आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछली बार या जो भी आपके यूपी ट्रिपल एससी क्वेश्चंस देता है या जो भी लोअर पीस देता है उसमें ज्योमेट्री के काफी क्वेश्चंस रहते हैं। आप मान के चलिए कि ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कम से कम आपको 2-3-4, जैसे यहां पर कम से कम 17 सवाल आए हुए थे लोअर पीसेस में, जिसमें 4 सवाल केवल ज्योमेट्री से थे। मैं इसको लेना चाहूंगा आपको दिखाने के लिए कि आपको केवल ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी क्या है, क्या ज्योमेट्री थोड़ी सी आपको आती है या नहीं। जैसे ये सवाल है, वृत्त आप बना सकते हैं, वृत्त का केंद्र, बिल्कुल कोई भी वृत्त के मध्य में केंद्र होता है और केंद्र से परिधि की दूरी किसी भी दिशा में बराबर होती है। जैसे यहां से और वृत्त के केंद्र से ही परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं हम, त्रिज्या आर, जो कि कितना दिया गया है 4। कह रहा है वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब दूरी 8, यहां पर कोई बिंदु है, इससे वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, आपको इसकी लंबाई बतानी है। तो मान लेते हैं वृत्त का केंद्र O है, इसे हम देते हैं OP और यहां पर A, इतना सा। वृत्त को बाह्य रूप से जो रेखा स्पर्श करती है उसे वृत्त का, वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। तो वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी से, मतलब इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, तो आपको PA की लंबाई मांगी जा पूछी जा रही है। आप ये जानते होंगे कि वृत्त के केंद्र से अगर स्पर्श रेखा को मिलाया जाए, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाया जाए तो यहां पर बना हुआ कोण समकोण होता है, मतलब 90 अंश होता है। कहने का मतलब है अगर ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और यहां पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, तो वृत्त की केंद्र से स्पर्श रेखा को अगर मिलाया जाए तो यहां पर जो कोण बनेगा वो हमेशा 90 अंश बनेगा। या आप कह सकते हैं ये, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है वो 90 अंश का होता है। तो अगर आप इतनी सी चीज जानते हैं तो इसको आप हटा दीजिए। आप देख रहे हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, किसी भी त्रिभुज का एक कोण अगर 90 अंश का है तो वो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के सामने जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस। तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसी को आपको केवल हल करना है। OP मतलब 8 का वर्ग, OA 4 का वर्ग और PA, यही आपको बताना है। ये मैं ले लेता हूं x, तो x स्क्वायर, 8 का वर्ग 64, 4 का वर्ग 16 प्लस x स्क्वायर, तो यहां से x स्क्वायर आ गया, 64 में 16 घटा दीजिए
14 में 6 गए 8, 5 में 1 गए 4, तो x का मान आ गया 48। ये स्क्वायर था, लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड गया तो स्क्वायर रूट हो गया। 48 का स्क्वायर करेंगे तो 48 का स्क्वायर, इसके आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 दुनी 4, 2 चौके 8, 2 2 6 2 3, तो आप देख रहे हैं कि 2 के 2 जोड़े बन गए, इसका मतलब 2 2 बाहर आ जाएगा, 2 दुनी 4 और अंदर 3 फंस जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 4√3। इसका मतलब इस स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितनी होगी 4√3। देखिए और भी बहुत सवाल हैं, है ना, जैसे मैं एक सवाल लेता हूँ, बहुत छोटे छोटे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। अब कोई कहता है कि सर इतना भी हम नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप ऑप्शन से सवाल को कर सकते हैं। जैसे कि है कि किसी परिमेय संख्या का मैं पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूं, आपको क्या समझा दे रहा हूं, किसी परिमेय संख्या का जो हर है अंश से 8 अधिक है, ये कहा गया है। और कहा गया है कि अंश को यदि 17 बढ़ा दिया जाए और हर को 1 बढ़ा दिया जाता है तो जो अब नई संख्या बनती है वो 3/2 हो जाती है। और आपके चार ऑप्शन हैं 7/15, बी 5/13, सी 3/11 और डी 9/17। इस तरह के सवाल भी आपके एग्जाम में आते रहते हैं। सवाल क्या है देख लीजिए, किसी परिमेय संख्या में हर अंश से 8 अधिक है, अंश को 17 बढ़ाया जाता है, हर को 1 बढ़ा दिया जाता है, तो नई परिमेय संख्या 3/2 प्राप्त होती है, इनमें से वो संख्या क्या है। तो आप ऑप्शन को देख के सवाल को हल कर सकते हैं, आप ज्यादा इसमें दिमाग ना लगाएं। अंश ये है, हर ये है, तो अंश से 8 अधिक है, 7/8 15, 5/8 13, 3/8 11, 9/8 17, मतलब इससे हम कोई भी ऑप्शन डिलीट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अंश को 17 अधिक कर दिया गया, तो अंश को अगर 17 अधिक कर दूं तो 17/7 24, और हर को 1 अधिक कर दूं 15 और 1 16, तो 8 3 24, 8 2 16, नई परिमेय संख्या क्या मिलती है 3/2, तो यही हमारा उत्तर होगा, बाकी की हमें जरूरत भी नहीं है। कहने का मतलब है कि इस तरह से हम मैथ्स को देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से शेयर कीजिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ सकें, ठीक है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं आगे क्लास के लिए, आपको हर क्लास के 2-2 डेमो दिए जाएंगे, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीए के, जीएस के और हिंदी के, ठीक है। उसके बाद आप स्वयं आप डिसाइड कीजिए कि आपको ज्वाइन करना है या कुछ आपने अपने लिए सोचा है। चलिए इसी उत्साह उमंग के साथ मैं सेशन को विराम देता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।